मैं माया क्रिएशन की तरफ से सब अपने देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा करवा चौथ की भी और आने वाली दिवाली की नव वर्ष की। सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल एवं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन बुशहर वॉलीबॉल एवं कबड्डी एसोसिएशन और प्रशासन के सौजन्य से किया गया। इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नामी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रामपुर के पदम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय प्रतियोगिता के आयोजन का मकसद युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना था, ताकि युवा हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे से हटकर खेलों के प्रति आकर्षित हो। प्रशासन और बुशहर कबड्डी संघ के प्रयासों के द्वारा आज जो हमारे राष्ट्रीय जो राज्य स्तरीय जो कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें 7 टीमों ने हिमाचल प्रदेश की भाग लिया, जिसमें स्पोर्ट्स हॉस्टल और आपके खेलो इंडिया साइंस सेंटर के अलावा कई विभिन्न जो आपके ज़िलों के टीमों ने इसमें भाग लिया। इसमें हमारे जो खेलो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसमें भाग लिया और हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को इस आयोजन के लिए हमें इसमें सम्मिलित किया और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी हम एक इस तरह की प्रतियोगिता जो हमारे आगे अगले वर्ष 2024 में करवाई जानी है, जो SJVNL के साथ हम मिलकर एक फेडरेशन कप जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होगी उसमें इंडिया की टॉप की जो हमारी 8 टीमें इसमें भाग लेगी और जो हमारे जो आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी इसमें BBN नालागढ़ और आपके खेलो इंडिया सेंटर राजपुरा की दोनों टीमों ने इसमें फाइनल मुकाबले में इसमें खेला, जिसमें आपके 30 और 26 का जो मुकाबला रहा और हम स्थानीय प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारे वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी होगी। हाँ, इसमें वॉलीबॉल की जो प्रतियोगिता होगी वो भी हमारे इस 2 प्रतियोगिता हमारे प्रशासन के द्वारा हुए है, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता और कबड्डी की प्रतियोगिता। ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे खेले, हॉस्टल खुले, आगे बच्चे नशे से बचे, नशे वार्ड हो, अकेडमी खुले, स्पोर्ट्स की जो बढ़िया भविष्य बने बच्चों का स्पोर्ट्स में। जी, आपका जो ये फाइनल मैच है कितना कठिन लगा? बहुत कठिन मैच था जी। जो दूसरी टीम थी वो अकेडमी की टीम थी जी, इकट्ठी प्रैक्टिस कर रही है। हम जो आए, हम रेशन की तरफ से आए, अलग अलग गांव के लड़के थे। दूसरी टीम बड़ी टफ थी, हर टूर्नामेंट जीत रही है वो, बहुत अच्छी टीम थी, मैच टफ था बहुत। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।